लखनऊ में हुई हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान आया है। जी हां, सरकार प्रदर्शनकारियों की बात सुनती तो हिंसा नहीं होती, सरकार चाहती तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो जाता, पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है कि सरकार अगर चाहती तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो सकता था, सरकार अगर प्रदर्शनकारियों को इजाजत देती तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन सरकार की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पुलिस जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है, तो पुलिस कर्मियों पर आरोप अखिलेश यादव ने लगाया, सरकार पर आरोप अखिलेश यादव ने लगाया, सरकार प्रदर्शनकारियों की बात सुनती तो ये हिंसा नहीं होती। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इसके कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है। मैं एक अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सरकार जिम्मेदार थी। अगर सरकार चाहती तो शांतिपूर्ण धरना हो जाता, प्रदर्शन हो जाता, बात खत्म हो जाती। क्या बेंगलोर में नहीं हो रहा, क्या और देहरादून में नहीं हो रहा? वहाँ लोगों को इकट्ठा होने दिया, लोगों ने अपनी बात कह ली, उसके बाद लोग घर चले गए। ये चाहते ही नहीं कि लोग अपनी बात कहें। लोकतंत्र में ये अधिकार किसी को नहीं है कि हम अपनी बात ना कह सकें। तो क्या अपील करेंगे? मैं चाहता हूं कि जहां शासन प्रशासन भी सहयोग करे, जनता भी सहयोग करे और एक दूसरे की बात सुने। लोकतंत्र में कम से कम जनता की बात तो सुनी जाए। धरना प्रदर्शन को लेकर जो है कल रात में भी पुलिस के द्वारा जो है छापेमारी की गई, कई नेताओं को। ये तरीका गलत है, ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए पुलिस को, ये सरकार को तरीका नहीं अपनाना चाहिए। ये सरकार के निर्देश पे काम कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, ये सरकार जो चाहती है वो काम कर रहे हैं। कम से कम बात कहने की जगह दें, बात कहने का मौका दें, और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी चीज है कि हम अपनी बात तो कह दें। हमें बीजेपी बताए कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ।